नमस्कार दोस्तों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग टेंथ क्लास का प्रश्नावली, टेंथ क्लास का मैथ प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण 45 और 60 देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किमी है हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको समझिए। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव हैं। एक सड़क है और एक सड़क के एक ही ओर स्थित दो गांव हैं। अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं हम लोग टेंथ क्लास का। तो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि एक हवाई जहाज़ है किसी सड़क के एक ही ओर स्थित दो गांव। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हवाई जहाज़ है और एक ही सड़क है। मान लीजिए ये सड़क पे ही ये हवाई जहाज़ है और ये सड़क क्या है, हवाई जहाज़ से सड़क के बीच की दूरी है। यहाँ पे मतलब सड़क तो ऐसे ही होगा ना, ज़मीन पे होगा सड़क। ठीक, तो इस सड़क से और इस हवाई जहाज़ की ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई। ठीक, और ये जो है क्या है, सड़क के इधर ही, सड़क इधर नहीं, सड़क के इधर ही दो गांव इसी सड़क पे, मैंने इस सड़क किनारे दो गांव जो है ना, उसके जो है अनुमान कोण कितने हैं, क्रमशः जो है अनुमान कोण क्रमशः 45 और 60। तो क्रमशः 45 और 60, देखिए क्रमशः 45 60 कह रहा है, इसका मतलब क्या। देखिए अगर क्रमशः ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि पहले 45 लिखे क्रमशः, अब क्रमशः इधर से भी हो सकता है, और क्रमशः जो है मैंने क्रमशः इधर से भी 45 60 लिख सकते हैं और क्रमशः इधर से 45 60 लिख सकते हैं, तो किधर से लिखना उचित रहेगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। 45 60 क्रम तो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, लेकिन पहले 60 लिखें, अगर इधर से लिखें तो पहले 60 लिखें तब 45 लिखें, कि इधर लिखें तो इधर 45 तब 60 लिखें। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो बड़ा है ना, तो इसके समीप जो भी कोण रहेगा, इस रेखा के समीप जो कोण रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ज्यों ज्यों हम इस रेखा के नज़दीक आते जाएंगे कोण बड़ा होता जाएगा, और ज्यों ज्यों इस रेखा से हम लोग दूर होते जाएंगे कोण छोटा होता जाएगा। तो ये जो है छोटा कोण लिखेंगे 45 डिग्री। ठीक, क्योंकि ये अनुमान कोण है, तो अनुमान कोण बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा ना, यानी कि ये होगा और ये होगा, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक, तो इसी के एकांतर ये हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि ये अनुमान कोण है, ये क्या है अनुमान कोण है, तो ऊपर से नीचे दो गांवों को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे दो गांवों को देखा जा रहा है। ठीक, यदि गांव के बीच की दूरी, गांव क्या है, तो गांव ये है ना, ये सड़क के बीच की दूरी तो दे नहीं रहा है, तो गांवों के बीच की दूरी यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, तो 2 मीटर है, इसके और इसके बीच की दूरी 2 मीटर है, 2 मीटर नहीं है किलोमीटर है, किमी है। ठीक है, तो कह रहा है कि हवाई जहाज़ की ऊंचाई यानी कि ये ज्ञात करने के, ये जो हवाई जहाज़ की ऊंचाई है ना, इसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो मान लो ऊंचाई अच्छा। ठीक, अब समकोण त्रिभुज का नाम यहाँ रख दो ABC, ये रख दो D। ठीक, इसको रख दो D। तो अब जो है समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज इसको लेते हैं, समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी कि H, और बटे आधार कितना है DB है, या इसको X मान लो, तो ये हो जाएगा X, DB भी लिख सकते हो, BC भी लिख सकते हो, H के जगह पे BC लिख दो, X के जगह पे DB लिख दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक, इस तरह देख लो। ठीक, अब 10 60 अंश का मान क्या होता है, √3 बराबर क्या हो जाएगा, H/X। ठीक, तो X बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, चूंकि H बताना है, तो X बराबर निकालते हैं।
तो यक्स बराबर जो है क्या हो जाएगा, लाइट चला गया फ्रेंड्स, थोड़ा सा लाइट चला गया है इस समय, थोड़ा सा और लाइट देते हैं मोबाइल का, ठीक है। हाँ आप देखिए अब कुछ फ्रेश दिख रहा है, तो अब इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, नहीं क्या करते हैं, यच बराबर निकाल लेते हैं, तो इसको इधर करते हैं, तो यच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 × x, हो जाएगा अंडर रूट 3 × x, भाई इसको इधर ले गए, यच बराबर बच गया, तो यच बराबर अंडर रूट 3 x कर देंगे ना, अंडर रूट 3 x हो गया, यच का मान निकल गया, एक समीकरण एक कर दिया गया, ठीक। इससे यच का मान ये निकला। अब जो है हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या टैन भाई, ए बी सी में किस एंगल को देखेंगे, 45 डिग्री को, तो टैन 45 डिग्री बराबर क्या लंब यानी कि यच बटे आधार क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर ए या एक्स किलोमीटर ए, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, हो जाएगा टेन 45 अंश का मान कितना होता है, एक बराबर क्या हो जाएगा, यच अपान एक्स प्लस 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे एच बराबर निकला हुआ है अंडर 3 × x, तो यहाँ पे एच का मान रख देते हैं 1 बराबर एच का मान रखेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 3 × x/(x)2 होगा। तो फिर इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो एक्स प्लस 2 बराबर ये अंडर रूट 3 x होगा, अंडर रूट 3 x। अब देखिए x को इधर ले जाइए, इसमें भी x है, तो इस x को भी इधर लाइए, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 x माइनस में x, या 2 बराबर क्या हो जाएगा, x को कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट 3 − 1 होगा। तो जो है क्या हो जाएगा, अब x का मान निकाल लीजिए, तो इसको इधर कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 / अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 − 1 हो जाएगा, x का मान इतना, ठीक। अब यह x का मान समीकरण एक में रख दीजिए, समीकरण एक में रख दीजिए, तो h बराबर निकल जाएगा, तो h बराबर समीकरण यहाँ लिखेंगे पहले, समीकरण एक में x बराबर 2 / अंडर रूट 3 − 1 रखने पर, तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, x का मान कितना है 2 / अंडर 3 − 1, ठीक। तो इसको परिमेयकरण करने के लिए 2 √3 भी लिख सकते हैं, ये गुणा है आपस में, तो अंडर रूट 3 / में इसको परिमेयकरण करना है, तो इसके विपरीत से माने यहाँ प्लस माइनस है, तो प्लस से गुणा कर देंगे, अंडर रूट 3 − 1 * अंडर रूट 3। देखिए क्या करना है, परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करना है तो क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे, यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वीडियो दिखाई नहीं दिया है, फिर से समझा रहे हैं, तो अंडर रूट 3 − 1 अंडर रूट 3 + 1 कर देंगे, विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, क्योंकि मैथ का ये नियम है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, और इसको यहीं रहने देंगे, तो 2 √3 × 2 √3 + 1 अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, ए इसका वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर फिर लिख सकते हैं 2 √3 √3 + 1 अपान में जो क्या हो जाएगा,
थ्री माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, दो अंडर रूट थ्री, दो अंडर रूट थ्री एंड टू अंडर रूट थ्री प्लस वन अपान में टू, टू से टू कैंसिल तो क्या हो जाएगा अंडर रूट थ्री, अंडर रूट में थ्री प्लस वन होगा। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे तो अंडर रूट थ्री गुणा अंडर रूट थ्री तो हो जाएगा तीन, आ इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस में अंडर रूट थ्री होगा, अंडर रूट थ्री का एक में गुणा करेंगे तो अंडर रूट थ्री हो जाएगा। अब इसको अंडर रूट थ्री को तो अंडर रूट थ्री रहने दो, अंडर रूट तीन को तीन रहने दो, अंडर रूट थ्री को लिख सकते हैं वन दशमलव सात तीन दो तीन, ठीक बराबर लिख सकते हैं क्या चार दशमलव सात तीन दो एक, अंडर रूट थ्री का मान एक दशमलव सात तीन दो होता है ना, एक दशमलव सात तीन दो एक होता है। ठीक, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि अब एच बराबर कितना निकल गया चार दशमलव सात तीन दो एक, यानी कि एच बराबर कितना हो गया चार दशमलव सात तीन दो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एच बराबर इतना। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा, सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से हाई स्कूल के सभी चैप्टर को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इस समय कम वीडियो मिल रहा है आप लोगों को, लेकिन अभी समय बदलेगा तो आप लोगों को अधिक से अधिक और साइंस का भी जो है वीडियो आप लोगों को देंगे हम, तो थोड़ा सब्र कीजिए और इस समय व्यस्तता काफ़ी चल रहा है, तो जो समय मिलना शुरू हो जाएगा सारे वीडियो हम अपलोड करना शुरू कर देंगे। तब तक मैथ पढ़िए आराम से, शांति से, सुकून से। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक साथियों दोस्तों को लाभ मिल सके और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें और इस देश का कल्याण कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।